हाय एवरीवन तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में नाम चेंज कैसे कराते हैं मतलब आपको कॉलेज में नाम चेंज कराना हो तो आप कैसे चेंज कराओगे तो इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई हैं एक तो मैंने बनाई है सीबीएसई में नेम चेंज कैसे करते हैं और उससे पहले बनाई है मैंने कि गजट में नाम कैसे चेंज करते हैं जब आप गजट में अपना नाम चेंज कर लेते हैं उसके बाद आप अपना सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट में नेम चेंज कर लेते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट ये सब उसके बाद जब आप सीबीएसई में रिक्वेस्ट करते हैं नेम चेंज की जब वहां से आपका नेम चेंज हो जाता है उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में नेम चेंज करा सकते हैं तो एक लेंथी प्रोसेस है तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद ही आपका यूनिवर्सिटी में नेम चेंज होगा तो ये एक आ, लेटर है मेरा नेम चेंज का जो यूनिवर्सिटी से आया था तो मैं दिखा देता हूँ आपको द प्रिंसिपल कॉलेज का नाम है ये मिस्टर अक्षय टू अक्षय सिंह एनरोलमेंट नंबर मेरा और ये आ, 28, 10, 2022 को नाम चेंज हो चुका था तो ये अप्रूवल है आपको दिखा दिया कि अप्रूवल लेटर ये रहा नेम चेंज का अब सारा प्रोसेस आपको समझाता हूँ तो ये नोटिफिकेशन निकाला था नेम चेंज का यूनिवर्सिटी ने तो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है ये आगे पीछे तो ये नेम चेंज के लिए ये रहा स्टूडेंट मेल फीमेल अदर वो वीशेस टू चेंज हिज हर नेम फॉर एनी रीजन इज रिक्वायर टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट तो सबसे पहले आपको सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द एनरोलमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्यूली फॉरवर्डेड बाय प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज हेड आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ और वो प्रिंसिपल की सिग्नेचर होनी चाहिए उस पर और उसके साथ काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट होंगे मैं आपको बताऊंगा सब कुछ दो न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए न्यूज़पेपर कटिंग ओरिजिनल चाहिए होगी पे आपका नाम न्यूज़पेपर पेपर पे आएगा वो ओरिजिनल बस वो पेज आपको चाहिए होगा तीसरा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये मेरे हिसाब से मैं ये भर के गया था बिल्कुल सही भर कर गया था बट ये चीज ना आपको उधर जाकर वो खुद देते हैं और आपको उनके सामने भरना होता है तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये रहा और ये फिफ्थ पॉइंट में सेल्फ डिक्लेरेशन अपेंडिक्स सेकंड ये दोनों आपको करने की जरूरत ही नहीं है मैं बिल्कुल सही भर के गया था उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि हम अपने सामने भराते बेटा तो ये आपको इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ओरिजिनल कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपको गजट तो चाहिए चाहिए ये चीज कराने के लिए और उसके बाद आपको टेंथ या ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए जिसमें लिखा ऑफ मेट्रिकेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टेंथ या ट्वेल्थ की मार्कशीट मैंने दोनों लगा दी थी जिसमें लिखा हो कि आपका नाम चेंज हो चुका है तो ये सारे हैं उसके बाद ये क्या है ये सेकंड पेज है एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज विल बी एंटरटेनमेंट ओनली एप्लीकेंट इज ए स्टूडेंट हाँ यूनिवर्सिटी का बच्चा होगा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का हूँ तो मैं उसी का बता रहा हूँ आपको प्रोसेस बट आप किसी और यूनिवर्सिटी की होगी तो मोरलेस सेम ही होगा सारा प्रोसेस तो आप ये चीज देख सकते हैं तो एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज पर्सन वो इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और वो हैजरेडीटेड हिज हर कोर्स शेल नॉट बी कंसिडर तो पता नहीं शायद ये रूल चेंज हो चुका है जो कंप्लीट कर चुका है उसका नहीं है मैं तो कॉलेज में था तो इसलिए मेरा चेंज हो चुका है ये दो हफ्ते एटलीस्ट दो हफ्ते सेवन पॉइंट में आ, महीना लग जाता है महीना डेढ़ महीना इसमें और तो इसमें कुछ है नहीं हाँ एनी ये जब तक यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं करेगी तो जब तक आपका माना नहीं जाएगा तो कर दिया था और ये बता रखा है द नेम नेम विल विल चेंज चेंज बी रीड रीड एस एस तो ये आपको पता कि आपका जो पुराना नाम होगा और नया नाम होगा दोनों ही लिखे आएंगे तो ये तो उनका नोटिफिकेशन है तो मैं आपको बताता हूँ तो सारा प्रोसेस तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा तो मैंने लिख लिया था ऐसे ही तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखनी है कॉलेज को दो न्यूज़पेपर कटिंग चाहिए गजट नोटिफिकेशन टेन ट्वेल्थ की मार्कशीट चाहिए कॉलेज मार्कशीट चाहिए जिस जिसमें आपका सारा रिजल्ट वो भी लगानी है कॉलेज की फी स्लिप चाहिए आपने फीस पे कर रखी है आई प्रूफ आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट कुछ भी एनी टू तो मैंने आधार कार्ड पासपोर्ट लगा दिया था सेल्फ तो डिक्लेरेशन वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हमें भरने की जरूरत नहीं है वो खुद ही भरवाएंगे वहां पे तो इसे आप स्किप कर सकते हो और फी स्लिप फी स्लिप आपको फाइव हंड्रेड रुपीज भरनी होती है तो वो भी मैं दिखा दूँ कैसे भरनी होती है तो ये सारे प्रोसेस की फी स्लिप भी लगानी होगी आपको तो यही है सबसे पहला प्रोसेस की आप ओवरव्यू देख लो तो स्टेप टू में बताता हूँ कि प्रोसी प्रोसीजर क्या है इस चीज का कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं सारा तो इसमें अच्छा मैंने इसमें भी डाल दिया तो यही सारा प्रोसीजर है तो एक बार दिखा देता हूं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो ये, एक ये नहीं था एक्चुअली ये है हाँ तो ये रहा ये रहा ये यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से तो ये जो सारी चीज है यही है जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है मैंने बिल्कुल करेक्ट भरा था बट वो कंसिडर नहीं करेंगे वो अपने सामने ही भरवाएंगे तो आपको भर के जाने की जरूरत नहीं है तो अब आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ सारे कि जिससे आप यूनिवर्सिटी में नाम चेंज करा सकते हो तो ये मैं एक बार खोल देता हूँ सारी पी ये रहा तो ये रहा सबसे पहले यह आपको एक एप्लीकेशन लिखनी जैसे आंसर हंसराज कॉलेज ये अक्षित तो इसमें ये रहा आ, मेरे डिटेल्स ये रही नाम अक्षित है एक एप्लीकेशन आप नॉर्मल अपने प्रिंसिपल को लिखो और आप कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो मैंने आधार कार्ड पासपोर्ट करा था गजेट की कॉपी टू न्यूज पेपर्स टेन ट्वेल्थ की मार्कशीट कॉलेज की मार्कशीट और फीस रिसिप्ट जो कॉलेज में आप जिस भी जैसे आपके फोर्थ सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर की मार्कशीट लगा दो ठीक है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में मैंने लगा दिया तो फीस फीसिट की मैं आ, जैसे थर्ड ईयर में हूँ तो मेरी फीस भी कंप्लीट है तो ये सारे लगाने के प्रिंसिपल उस पर साइन करके दे देती है तो पहले तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे मतलब ये सारे बता दूंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देने हैं कॉलेज में उसके बाद ये जाएंगे आपको यूनिवर्सिटी लेके जाने होंगे तो ये मैंने पासपोर्ट लगा दिया था ये आधार कार्ड हो गया ये गैजेट हो गया और ये सेल्फ अटेस्ट करना ये रहा ये दोनों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये चाहिए नहीं होंगे उधर तो आप इसे स्किप कर सकते हो ये मेरी मार्कशीट ये रहा स्लिप और एक दो न्यूज़पेपर बस ये चीजें चाहिए आपको और हाँ टेन ट्वेल्थ की मार्कशीट जिसमें आपका नेम चेंज हो चुका है जैसे ये रहा मेरा ओके एक सेकेंड तो ये जैसे नेम चेंज हो गया टेन ट्वेल्थ में अक्षिता सिंह ये मैंने चेंज करा लेता था हैश का मतलब यहाँ इन्होंने बता रखा है कि चेंज कर रखा है मैंने और क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए थे तो वो आप देख सकते हो तो ये आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे और ये आपको कॉलेज लेके जाने हैं अपने कॉलेज ले जाने के बाद ऐसे प्रिंसिपल साइन कर देगी जैसे मेरे में कर दिया था फॉरवर्ड टू अकेडमिक टू आपको आ, वी सी लोन जाना होगा हम वी सी लोन कहते हैं मतलब मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन सेंटर के वहाँ पे तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने जब प्रिंसिपल सिग्नेचर कर देगी जैसे कर दिया था मैंने सारा लिख के दिया था तो अट्ठाइस दस को ही मैं उसी दिन सबमिट कराया था जब प्रिंसिपल साइन कर देगी तो आपको उधर सबमिट करके आने हैं और हाँ ये मत भूल जाना ये आपको फीस भी भरनी होगी ऑनलाइन जैसे फीस ऑफ नेम चेंज ऑफ स्टूडेंट फाइव हंड्रेड रुपीज लेते हैं तो इसका भी वो लगाना होगा ये ऑनलाइन आप कर सकते हो मैं एक बार दिखा देता हूँ ये होगा शायद डी यू मिसलिनियस फीस में आएगा तो ये डी यू मिसलिनियस फीस में आपको यहाँ पे अपना नाम वाम सब लिखना है और यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना फीस आपको किस बेसिस की भरनी है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होगी तो जैसे कि मेरे को नेम चेंज से रिलेटेड भरनी है तो ये नेम चेंज की कहां पे है ये रहा ये रहा फीस ऑफ नेम चेंज ये सब कुछ करने के बाद आप आगे, आगे करके आप भर लोगे अपने आप काफी उन्हें करा होगा तो, तो बस आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको इधर साथ भी लगाना है तो ये जब सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे जैसे फीसलिप भी लगा दी जो आपको साइड डॉक्यूमेंट बताए थे ये सारे और ये फीसलिप लगाने के बाद आपको सबमिट करके आना उधर और ये चीज हमेशा याद रखना जब आप सबमिट करके आओ तो एक एंट्री जरूर करवा लो मैं हमेशा करवाता हूँ तो उधर में जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता हूँ और फ्रंट पेज की फोटोकॉपी करवा के लाओ और उस उसपे स्टैंप लगवा लो जैसे मैंने लगवा लिया था कि एक प्रूफ रहेगा कि आपके पास आपने सबमिट कर दिया कल को इधर उधर डॉक्यूमेंट हो गया नहीं हुए और वो कहीं कि आपके पास कोई प्रूफ है तो ये सबसे बेस्ट हुई अपनी एंट्री करवाओ कि हाँ मेरे पास प्रूफ है तो ये ले जाओ तो मैंने ये करा दिया था तो ये यहाँ तक हो गया था इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है जब वो सारी सारी चीजें हो जाती है उसके बाद आप आराम से बैठो अब अप्रूवल का वेट करो अप्रूवल के बाद ये जैसे कि मेरे को बुलाया गया था मेरे पास फोन आया था आ, पता नहीं मेरे को कब आया था शायद तेरह दिसंबर के आसपास आया था हाँ जहां तक मुझे याद है तो ये मेरे को बुलाया गया था यही एग्जामिनेशन सेंटर के वहां डीन ऑफिस तो उधर उन्होंने कहा था कि जब अपने सिग्नेचर करके जाओ तो मैंने फोटो खींच ली थी जब ही तो एक तो ये डीन के पास जाता है और दूसरा मेरे को मिला था तो ये उधर का ही है जो नाम चेंज हो गया था मेरा अप्रूवल आ चुका था तो उन्होंने फोन करा था आ जाओ तो ये रही वो अप्रूवल एक मेरे को दिया था एक यूनिवर्सिटी अपने पास कि मेरा नेम चेंज हो चुका है ये रहा हिज नेम आफ्टर हिज नेम आफ्टर नेम चेंज विल बी रीड एज अक्षत राज सिंह एलाइज अक्षय अक्षत राज सिंह और एल आई अक्षित दोनों नाम से जाने जाते हैं यही आपकी डिग्री में भी लिखा आएगा तो ये चीज आप याद रखना अब इसके बाद जब आपके ये सारे स्टेप हो जाते हैं मतलब आपने जैसे एक कर दिया आपने नाम चेंज करा लिया मैं आपको दिखा देता तो हूँ इसमें था ना मैंने लिखा था ये देखो आपने सारा करा दिया एप्लीकेशन भी लिख दी ये सब लिख दिया ये सब कर दिया और आपका नाम चेंज हो भी जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का और सीबीएसई में नेम चेंज कैसे कराते हैं मेरा खुद का पर्सनल मेंसनल एक्सपीरियंसूंगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ये जब चेंज होने के बाद कॉलेज में इतनी दिक्कत नहीं आती आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिए हो जाएगा स्मूथली मगर उसके बाद आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूँ उसके बाद आपको कॉलेज को ही एप्लीकेशन लिखनी है सबसे पहले आपको कॉलेज को एप्लीकेशन लिखनी है जैसे कि मैं ये सारे डॉक्यूमेंट में नाम चेंज कर दो जैसे कि ये रहा जैसे ये रहा नेम चेंज कॉलेज डॉक्यूमेंट क्योंकि एक बात बताओ तो यूनिवर्सिटी ने आपका नाम चेंज करा डिग्री में नाम चेंज होकर आएगा जैसे कॉलेज में आपकी अटेंडेंस हो गई आपके इंटरनल्स मार्क्स हो गए इंटरनल असेसमेंट हो गए सब में नाम चेंज होता है कॉलेज के खुद के रिकॉर्ड में भी नाम चेंज क्योंकि कॉलेज के पास नहीं पता कि आपने नाम चेंज कराया नहीं कराए उनको आपको एप्लीकेशन लिख कर देनी होती है और वही जैसे यूनिवर्सिटी का अप्रूवल लेटर आता है तो वही देना भी होता है तो मैंने कहा था कि आई आई चेंज चेंज माय माय नेम नेम सिंह रिक्वेस्ट टू इन ऑल डॉक्यूमेंट्स और यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो ये रहा मेरे कॉलेज के लास्ट सिक्स सेमेस्टर में हूँ तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट में हूँ जैसे एडमिट कार्ड में भी नाम चेंज कराना था तो आपको समर्थ पोर्टल होता है तो उसमें भी नाम चेंज करना होगा आपको तो ये मेरी पुरानी ये कॉलेज की डिटेल थी अक्षय या फादर नेम ये रहा रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर और डॉक्यूमेंट क्या दिया यूनिवर्सिटी अप्रूव लेटर दिया एप्लीकेशन फॉर नेम चेंज की जो मैंने पुराने अपने नेम चेंज जो प्रिंसिपल के साइन करवाए थे एक वो और एक आधार कार्ड अपना दे दिया था मैंने उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट में चेंज हो गए थे तो एक था ये रहा रिक्वेस्ट फॉर नेम चेंज इन कॉलेज आई डी कार्ड तो कॉलेज आई डी कार्ड भी मैं नाम चेंज करा लो मेरे साथ ऑप्शनल तो नहीं कहूंगा आप करा करा लो तो ज्यादा बेटर है तो मैंने वो भी लिख कर दिया था कि हाँ मुझे अपने कॉलेज आई डी कार्ड में भी नाम चेंज कराना है तो मैंने उसी दिन करा दिया था और उन्होंने उसी दिन आई डी कार्ड भी बना के दे दिया कॉलेज खुद की मशीन है तो खुद बना के दे देते हो जब की जब प्रिंसिपल के साइन करवाने होते हैं और वही मैंने यूनिवर्सिटी का प्रूव लेटर लगा दिया था और फीस uh, स्लिप लगा दी थी और uh, मेरे पचास रुपए लिए थे नए आईडी कार्ड इशू करने के इन्होंने तो जैसे ये मेरा पुराना आईडी कार्ड था अक्षित और नया अक्षित राज सिंह से इन्होंने कर दिया था तो ये तो हो गया उसके बाद एक चीज और जैसे हाँ जब आप समर्थ पोर्टल है ये सब चेंज होने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं कि आपके समर्थ पोर्टल पे नाम चेंज होगा यूनिवर्सिटी से अप्रूव आने के बाद आपको खुद करना पड़ता है फिर कॉलेज उसको वेरीफाई करता है जैसे मेरा पुराना अक्षित ही दिखा रहा था फिर मैंने कॉलेज से वो वेरीफाई करवाया तो ये अक्षित राज सिंह हो गया जब ये हो जाता है उसके बाद आपके सारी जो मार्कशीट भी आती है ना वो दोबारा रीजनरेट हो जाती है तो मेरी मार्कशीट भी रीजनरेट हुई थी अक्षय राज सिंह से हो गई थी सारी और फिर मैंने उसमें भी प्रिंसिपल के स्टैंप और सिग्नेचर करवा लिए थे तो ये चीज है और मैंने फिर वो एडमिट कार्ड भी आपके ये रहा मैंने सब में नाम चेंज करा लिया जैसे अक्षय राज सिंह तो मैंने सब में करा लिया था ये पुराना अक्षय है और फिर मैंने अक्षय राज सिंह एडमिट कार्ड में भी ऑटोमेटिक जब समर्थ पे हो जाता है नाम चेंज तो ये सारी आराम से हो जाएंगे तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये मैंने एक चीज और थी आ, मैं गया था एक बार कि नाम चेंज से रिलेटेड तो उधर जो अकेडमिक सेक्शन होता है तो उधर भी मैंने देकर आया था कि अपने हर सेमेस्टर की मैं मार्कशीट देकर आया था कई यूनिवर्सिटी मार्कशीट में नेम चेंज और अलग से करती है तो मैं उसमें भी ये कराया था ये मेरे सबसे इतना कंपल्सरी होगा नहीं तो उन्होंने ली थी सारी मार्कशीट मेरे से कि सबमिट कर दो उसकी फोटो तो मार्कशीट में अलग से नाम चेंज हो जाएगा बट मेरा हो गया था तो मेरे को ये इतना वो नहीं लगता तो मैं आपको एक नॉर्मली ओवरव्यू दे देता हूँ सारा कि आपको क्या क्या करना है फिर से आपको इस सारे डॉक्यूमेंट एक एप्लीकेशन लिखनी है दो न्यूजपेपर कटिंग गजेट टेन ट्वेल्थ की मार्कशीट कॉलेज की मार्कशीट कॉलेज की फीस स्लिप दो आई प्रूफ सेल्फ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है फीस स्लिप फी स्लिप आपको वही फाइव हंड्रेड वाली उसके बाद ये सारे आपको डॉक्यूमेंट हैं यही जो है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट मैंने पीडीएफ बना ली थी सारे डॉक्यूमेंट्स की तो ये रहा ये मैंने सब जो लिखा था तो ये आप देख सकते हैं ये सारी पीडीएफ की मैं रखता हूँ अपने पास रिकॉर्ड तो ये प्रिंसिपल को सबमिट करी थी तो प्रिंसिपल ने जैसे कि ये साइन करके दे दिया उसके बाद आप वहीं से आपको खुद ही जाना होता ये लिख रखा था फॉरवर्डेड टू अकेडमिक नॉर्थ कैंपस में ही है मेन यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो आप उधर ही जाके सबमिट कर दो सब कुछ वो कर देंगे और एक डेढ़ महीने बाद ही आ गया था मेरा मेरे को फोन ही आया था शायद तेरह दिसंबर को ही आया था जहां तक मैं कंफर्म हूँ तो एक तो एक उनके पास कॉपी थी यहाँ पे उन्होंने सिग्नेचर करवा लिया अपने कि आपने रिसीव कर लिया और मेरे को ये दे दिया था लेटर है कि हाँ ये आपका नाम चेंज हो चुका है तो अब कोई दिक्कत नहीं है ये मैंने ऐसी ले लिया था उनसे कि ये मेरा नाम चेंज हो चुका है तो मैंने उनके से वो निकलवा लिया था अक्षय था मैम नाम चेंज हो गया एक बार कंफर्म बता क्योंकि मैं समर्थ पोर्टल पे तो नाम चेंज नहीं हो रहा था तो उसमें दोबारा गया तब उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारा नाम चेंज हो चुका है समर्थ पोर्टल कॉलेज वाले करेंगे ये यूनिवर्सिटी का कोई हाथ नहीं होता इसमें तो फिर जब मैंने समर्थ पोर्टल पे जाकर नाम चेंज कराया था तो उसके बाद आपको पता ही क्या करने जैसे मैंने लिख भी लिया था कि नेम चेंज इन यूनिवर्सिटी के आई कार्ड में मार्कशीट में समर्थ पोर्टल फीस रिसिप्ट

सारा ही क्लियर हो चुका है कि नेम चेंज का तो अब आगे दिक्कत नहीं आएगी नेम चेंज जैसे कि कुछ होते हैं कि जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट में अलग नाम होते हैं और जैसे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में अलग होते हैं तो वो भी चल सकते हैं अगर आपके पास गजेट हो बट मैंने सब में ही करा लिया था तो बस यही था कि कैसे कराते हैं और ये लास्ट में यूनिवर्सिटी का अप्रूव लेटर तो हो जाता है और आई थिंक ज्यादातर यूनिवर्सिटी में सेम ही प्रोसेस होगा कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट मेन जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो मैंने आपको बता चुका हूँ So thank you.